अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? तो यहाँ पर जो है ना, मैं काम कर रही थी, जैसे कि डेली रूटीन होती है। शाम में बच्चे आ गए थे तो उन्होंने फरमाइश की थी कि कुछ खाना है, तो सबसे पहले तो मैंने चाय और पराठा दे दिया उनको। और फिर भी कुछ खाने का मेरा भी दिल कर रहा था कि कुछ थोड़ा सा यामी सा हो जाए। तो यहाँ पर बर्तन वॉश करने के बाद जो है ना, मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, आगे चल के आपको बताती हूँ मैंने क्या बनाया था। जो चाय मैंने बना के दी थी और पराठा बनाया था, मैंने ताज़ा ताज़ा आटा गूंदा था, तो उसी की यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही थी, हस्बैंड भी आ गए थे, मगरिब का वक्त हो चुका था। तो मैंने पहले तो इन लोगों को चाय और पराठा वगैरह दे दिया, उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने बर्तन धोए और फिर मगरिब की मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आपको पता है आजकल मगरिब की नमाज़ जो है वो अजान जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन फिर से वॉश कर रही थी। और इसी बीच में जो है ना, मैं अब्दुलरहमान और मोहम्मद को पढ़ा रही थी, क्योंकि भाई पढ़ाई तो मेन चीज़ है। आज छुट्टी थी उनकी, तो आज वो दो दफ़ा पढ़ने बैठे। एक दफ़ा तो सुबह में पढ़ने बैठे थे वो, जो उनको याद करवाना था मैंने, और दूसरा जो है ना शाम में बैठे थे वो, उनको जो है ना स्कूल का काम करना था। तो मैंने सोचा मैं इनको पढ़ा तो चुकी हूँ, अब मैं अपना काम कर रही थी। मैंने बोला आप दोनों अपना काम करो स्कूल का, और यहाँ पर जो है ना मैं अपना काम कर रही थी। और आपको पता है कि बर्तन निकालो तो बस कितने निकलते चले जाते हैं। अच्छा, जब मेरा ऐसा है कि मैं अब अगर बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ ना, बस सिर्फ बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ इन दोनों को, तो जब जो है ना मैं ये कहती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम निपटा के बैठूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं इन लोगों को ना बिल्कुल नहीं छोड़ती। जब मैं बैठती हूँ इन्हें पढ़ाने के लिए, तो इनके सर पे सवार होकर मैंने ना इनको याद कराना पड़ता है। अगर मैं इनके ऊपर छोड़ देती हूँ, टाइम वेस्ट होता है और याद कुछ भी नहीं होता। तो बस यहाँ पर जो है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अभी जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूँगी। और ना यार, मेरे ना आस्तीन अगर नीचे हो ना, मुझे मेरी आस्तीन गीली हो जाती है और मुझे उलझन होने लगती है, इसलिए जो है ना मैं आस्तीन जो है ना स्लीव ऊपर करके फिर बर्तन वॉश करती हूँ। क्योंकि बर्तन भी एक तो माशाल्लाह ज़्यादा होते हैं, और दूसरा ये है कि ज़रा सा भी गीला हो जाता है ना, तो मुझे उलझन होने लगती है। तो यहाँ माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है ना, माशाल्लाह से उसको बोलना भी आ गया, पूरा पोटी सुसू सब करना आ गया, बताना भी आ गया। अभी वो मुझे आके बात कर रहा था, तो मैंने कहा अब नहीं बात करना मुझसे, तो कह रहा था हाँ तीते तीते। तो खैर, यहाँ पर बर्तन मेरे वॉश हो गए थे, और जो है ना ये मैं कपड़े से पानी साफ़ कर रही थी। बर्तन धो तो पानी इधर उधर फैल जाता है, आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ना, बस ये पतीलियाँ बांध रही थी मैं, और मुझसे तो स्लीव्स नीचे हो तो काम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और जब भी मैं रोटियां भी बना रही होती हूँ ना, तो मेरी स्लीव्स मैं ऊपर करती हूँ, क्योंकि जो है ना, एक तो वो आटे का जो खुश्की होती है ना, खुश्क आटा होता है, तो वो जो है ना वो आस्तीनों पे आता है, तो जाहिर सी बात है उससे भी उलझन होती है, और वो चिपकती है, फिर पानी लगता है तो चिपकने लग जाता है आस्तीन ना। तो मैं तो हमेशा जब भी काम करती हूँ तो आस्तीन जो है ना वो ऊपर कर लेती हूँ, ताकि मुझे उलझन भी ना हो, मेरा काम भी हो जाए। और यहाँ पर देखिए, मोहम्मद आ रहा था मुझसे पूछने के लिए, और इसके हाथों में ये कलर्स देख रहे हैं। तो ये एक तो इनको सॉरी लाइफ बॉय का मिला था, इनके स्कूल में पब्लिसिटी के लिए आए थे, तो वो इनको जो है ना वो दिए थे, कार्ड दिए थे कि इसमें कलर करें, और जो है लाइफ बॉय का साबुन ख़रीद के और उसका रैपर जो है ना सबमिट करके फ्राइडे को लेकर आएँ। तो वही मुझसे पूछ रहा था, तो कलर कर रहा था। और यहाँ पर ये दूध की पतीली की सख्त जो बलाई होती है ना, वो जम जाती है, तो वही जो है ना बस मैं छुरी से हटा रही थी, तो क्योंकि स्क्रबर जो है ना वो साफ़ नहीं करता और हाथ बहुत दुख जाते हैं। ये सॉफ्ट वाली है, ये हट जाती है, लेकिन जो किनारे होते हैं ना इसकी नहीं हटती। तो ये यहाँ पे मैं साइड में रख दूँगी, और अभी शॉपर में सारा कचरा डालूँगी। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं मांज रही थी, ये देखिएगा पतीली मांज लूँगी मैं, कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो जाती है यार। साफ़ सुथरे बर्तन अच्छे लगते हैं, बर्तन गंदे हो ना तो फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो ये डिनर सेट है, अभी जो मेरे घर के यूज़ का है, इस पर तो फिर भी कम दाग धब्बे जो है ना वो पीछे की साइड पे कम होते हैं, पीला पीला सा। और जो है ना इसको जितना भी साफ़ कर लो ना, सोडे से किसी भी चीज़ से, इसके कलर नहीं जाते। तो जाहिर सी बात है, घर के डिनर सेट की बात यही होती है कि वो किसी मेहमान के आगे नहीं रख सकते हम। पता चल जाता है कि घर के यूज़ का है, कैजुअली घर के यूज़ की प्लेटें होती हैं जिसमें रोज़मर्रा सालन हम लोग सर्व करते हैं अपने खाने के लिए, तो वो निशानात वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, दूध की पतीली को मैं कितने अच्छे से स्क्रबर से मांज रही हूँ, और ये एकदम नीट हो जाएगी।
जो इस पे हल्के पुल के निशान है ना वो मैं हाथ से हटा दूँगी। तो ये देखें कितनी माशाल्लाह से चमक रही है। किसी एक के हाथ में काम होता है ना तो उसको पता है कि भाई काम एक ही बंदा कर रहा है तो उसको साफ़ ही करना है। अगर दो लोग कर रहे होते हैं ना तो फिर ये होता है कि भाई मैंने तो साफ़ धोया था, भाई मैंने तो साफ़ धोया था, इसने ऐसे नहीं धोया होगा। होता है यार, ऐसा ही होता है। तो ये देखें मैं यहाँ दिखा रही हूँ कितनी साफ़ हो गई। अब जो मैंने कल का पालक डाला, काट लिया था ना, काट के वॉश करके रखा था, तो पतीली में डाल के मैं यहाँ पर सारा मिक्स करके चढ़ा रही थी। क्योंकि देखें मैं दुपट्टा पहनी हुई हूँ, मगरिब हो गई थी, बल्कि मगरिब हो रही थी। और जो है ना मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी काट कर। वही टमाटर डाल दिए मैंने, अब मैं इसको ना स्टफ़ पर रख दूँगी। और ये बास्केट जिसमें मैं धो कर रखा था, और ये दूध की वही पतीली है, इसको मैंने साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पर जो है ना इस बास्केट को धुलूँगी मैं, इसमें जो पालक लाया है हल्का फुल्का सा वो हटा दूँगी। तो ये बास्केट धुलूँगी मैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये मेरी स्लीव्स नीचे हो गई ना, मुझे उलझन होती है, इस पर छींटे आती है ना, हाथ गीले हो जाते हैं। ये मैंने स्लीव्स ऊपर की है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब मैं जो है ना प्याज मैंने नीचे से ले ली थी, और ये प्याज जो है मैं काट लूँगी जल्दी जल्दी से। और ये मैं ना मंथली ला कर रख देती हूँ प्याज, आलू नहीं लाती वो, इस वजह से कि डिपेंड करता है, जब भी ख़त्म हो जाते हैं तो मैं लेकर आ जाती हूँ। और प्याज ये है कि ख़त्म हो जाती है तो ले आती हूँ, वरना जो है ना मंथली में ला कर रख देती हूँ। जितनी मेरी मुझे पता है मंथ में मुझे यूज़ होती है, मैं वो ला के उतनी ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने प्याज काट ली, और प्याज काटने के बाद मैं लहसुन अदरक को इमाम दस्ते में कूट लूँगी। हम तो इमाम दस्ता ही बोलते हैं। और काइंडली जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो प्याज मैंने काट ली थी यहाँ पर, तीन प्याज मैंने डाली है। पालक था, पालक में मैंने आपने देखा तीन टमाटर डाले हैं, और तीन ही मैंने प्याज डाली है। और इतना इतना मज़े का यामी सालन बना था ना, इसमें गोश्त नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा था कि गोश्त डला हुआ है। तो बस यहाँ पर जो है ना बस प्याज कट चुकी है, और ये प्याज जो है एकदम जो है ना वो तेज़ थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, इसीलिए मैंने इसे वॉश किया था। और वॉश करके मैं डाल रही थी ताकि जो है ना वो तेज़ी ना आए सालन में। और ये मैंने डाल दिया था। अभी यहाँ पर मैं लहसुन अदरक ले लूँगी। ये बास्केट मेरी लहसुन अदरक की, ये मैं दिखा रही हूँ अदरक, तो पहले छोटी वाली मैंने निकाली है। ऐसे मैं छील रही थी तो ये छोटी, अब मैं बड़ी में से निकालूँगी। और इसे पील ऑफ कर लूँगी, इसे पील करने के बाद मैं मोहम्मद और अब्दुलरहमान को पढ़ा रही हूँ, तो उन्हीं से ही बातें कर रही थी। अब मैं यहाँ पे लहसुन लूँगी, और ना मैं जिसमें से ले लेती हूँ ना लहसुन, नेक्स्ट डे मैं वही तलाश करती हूँ कि जिसमें से मैंने कल तोड़े थे लहसुन तो वो कहाँ है, कि पूरी पूरी यार मैं बास्केट भर लेती हूँ लाकर। और मेरा ये नहीं है कि मैंने हर हफ्ते लेना है या मैंने महीने लेना है, मैं हमेशा भर लेती हूँ सामान, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती हूँ वक्त से पहले चीज़ आ जाए, ख़त्म ना हो, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि घर में सब गए हुए होते हैं अपने अपनी जॉब पर, हस्बैंड भी गए हुए होते हैं, बस छोटे बच्चे होते हैं, और अब्दुलरहमान को इतनी दूर में भेजती नहीं हूँ, और मुझे भी ऐसा होता है कि मैं बच्चे छोड़ के जा नहीं सकती। तो मैं इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ कि ख़त्म होने से पहले ही चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर जलेले लहसुन मैंने छील लिए थे,
और दुपट्टा नमाज का मेरा बंधा हुआ है और अजान हो रही थी और बस ये चढ़ाकर जो है ना मैं नमाज़ पढ़ूंगी। और मेरी कोशिश होती है जब मेरे पास दुपट्टा होता है ना तो मैं ट्राईपोड सही से रख देती हूँ एक ही जगह, लेकिन जब मेरे पास दुपट्टा नहीं होता ना, गर्मी बहुत हो रही होती है, तो मैं जो है ना ट्राईपोड सेट करती हूँ बार बार कि कहीं मैं आ ना रही हूँ बगैर दुपट्टे के। तो अभी नमाज का दुपट्टा बना हुआ है और मैंने ट्राईपोड सेट किया हुआ है कि बस जो काम की वीडियो बन रही है वो बनती रही है और अजान होने वाली है। यहाँ पर जो है ना मैं ये उतार लूँगी, ये देखें ये बाम दस्ता मैंने उतारा है, इसमें लहसुन अदरक कूट लूँगी मैं और ये भी डाल दूँगी, इसे भी धो लूँगी। और मैं हर चीज़ धो के इस्तेमाल करती हूँ। ये यहाँ पर लाइट चली गई, गई थी लाइट, आज पूरे दिन लाइट गई नहीं थी क्योंकि आज चालू की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा एहतराम किया है। और मैंने पालक में पानी बिल्कुल नहीं डाला तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी घुमाकर मैं उसमें डाल दूंगी और अब ये वॉश करके रख दूंगी। और ये हाथ के हाथ में बर्तन धो रही होती हूँ ताकि जमा ना हो। यहाँ पर मैं आलू छील लूँगी और ये मैंने प्लेट में ले लिए थे। और यहाँ पर असली घी ख़त्म हो गया था तो तलो वाला घी जो है ना वो मैं रिफ़िल कर रही थी और ये मैंने चूल्हे के पास रख दिया था तो इसलिए ये एकदम लिक्विड हो गया और ये घी है, ऑयल नहीं है। ऑयल का जार जो है ना मेरा वो दूसरा है। और यहाँ पर बच्चों की फरमाइश थी कि आज दही बड़े खाने का दिन जा रहा है तो आप दही बड़े बना लें, तो पालक आलू तो मेरा रेडी हो चुका था और सडनली जो है ना बच्चों की फरमाइश पे मैंने जल्दी 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 बेसन घोला और नमाज़ पढ़ने लग गई। और जो है उसके बाद मैंने यहाँ पर दही निकाला, फेंट लिया था उसको, और ऑयल जो है ना मैं एक साथ मंगा लेती हूँ डब्बा भर के, जो है ना हमारा सीज़न ऑयल है वो पूरा जार, वो जो पूरा एक समझ लें 10-15 किलो का जो बॉटल होती है ना बड़ी वाली, वो मंगवा लेती हूँ मैं, तो वो जितना भी चलता है वो चलता है। और ये डालडा या तलो असली घी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया था और देखें दही बड़े और पालक का सालन तैयार हो गया। तो बस जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।